हेलो फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के एलपी और टेक्नीशियन के बीच लेकर के डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, पहला टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एलपी और टेक्नीशियन दोनों में कौन सा जॉब करना सही है। दूसरा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा कि किसमें सैलरी अच्छा मिलता है। तीसरा टॉपिक डिस्कस करूंगा कि एएलपी को कितने घंटे काम करना पड़ता है। और चौथा टॉपिक डिस्कस करूंगा कि टेक्नीशियन को क्या सिर्फ 8 घंटे काम करना पड़ता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आज कंपेयर करूंगा पूरा एएलपी और टेक्नीशियन में कौन सा जॉब बढ़िया है और दोनों जॉब में कौन सा जॉब सही है आप लोगों के लिए। आप अपना कमेंट जरूर करिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी 1K पहुंचाना है अपने भाई को चैनल को। पहला टॉपिक ये रहेगा कि एएलपी और टेक्नीशियन में कौन सा जॉब करना सही है, तो डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, दोनों अपने अपने जगह जॉब सही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जॉब अच्छा लगता है। अगर आप एक स्टेबल जॉब चाहते हैं तो आपको लिए टेक्नीशियन बिल्कुल सही रहेगा। और अगर आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है और आपको फिजिकली मेंटली सारा इन्वॉल्वमेंट इस जॉब में रहेगा, एलपी जॉब में, और आपको हर दिन एक कहीं भी दूसरे रनिंग रूम में जाकर रुकना पड़ सकता है क्योंकि आप कहीं गाड़ी लेके जाते हैं और वहाँ पे जाकर के आपको वॉक करना पड़ता है और उस रनिंग रूम में जाकर के आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो आप इसमें ये प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत कि आप सेम डे में घर नहीं आ पाएंगे। टेक्नीशियन जॉब में ये होता है कि आप अगर आज शिफ्ट वाइज जॉब करते हैं उसमें, जैसे कि आप सुबह गए तो आपका 8 घंटे का शिफ्ट होगा और शाम में आप घर आ जाएंगे। और एलपी के एस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एएलपी में अगर आपकी आज ड्यूटी लगती है सुबह 10 बजे और आपकी गाड़ी 18 बजे शाम में पहुंचती है तो आपका वहां पर जाकर के वॉक करना पड़ेगा और आपको वहां मिनिमम 6 घंटे का रेस्ट मिलेगा। और जब तक आपकी गाड़ी नहीं लगती वहां पे, आप तब तक वहां से नहीं आ सकते हैं। फिर आपको उधर से गाड़ी लेकर के आना होगा और फिर यहां पे हेडक्वार्टर में अपने हेडक्वार्टर पहुंच करके आपको वॉक करना होगा। तो आप सेम डे में पॉसिबल नहीं होता है। कभी काल ऐसा होता है कि आपका हेडक्वार्टर में ऑफ हो जाता है, जब आपकी कहीं गाड़ी हेडक्वार्टर ही रिटर्न आना रहता है तब आपका ऑफ होता है एलपी में। और आपका जैसे कि आप एक जगह से गाड़ी लेकर के गए 70 किलोमीटर दूर और वहाँ पे आपको ज़्यादा क्रू होने के चलते आपको वहाँ से बोल दिया कि आप स्पेयर चले जाइए अपने हेडक्वार्टर, तो आप वहाँ से डायरेक्ट स्पेयर आ सकते हैं। तो एलपी जॉब में भी फ़ायदा है कि आप कभी कभी 5 घंटे में भी गाड़ी पहुंच जाती है और अगर क्रू अवेलेबिलिटी वहां ज़्यादा रहती है तो आपको वहां से स्पेयर कर दिया जाता है और आप अपने हेडक्वार्टर आकर के ऑफ कर सकते हैं। तो आप सेम डे में इसमें भी घर पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत कम केस में ऐसा होता है, मतलब 80% केस में आपको रनिंग रूम में मतलब साइन ऑफ करके रेस्ट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ से यही कंक्लूजन निकलता है कि एएलपी की जॉब में आपको घर आने के चांसेस कम है सेम डे में। अगर आपके दूसरे डेस्टिनेशन पे जहाँ पे गाड़ी आप काफ़ी दूर लेकर के चले गए हैं तो आपको वहाँ ऑफ करना पड़ेगा और फिर आपकी जब गाड़ी लगेगी तब आप लेकर के आ सकते हैं। और टेक्नीशियन जॉब में ये होगा कि आप सुबह गए और शाम में आप घर आ सकते हैं, शिफ्ट वाइज इसमें जॉब होता है। तो इसमें कंपैरिजन मैंने किया इन दोनों के बीच, तो इसमें आप अपना भी ओपिनियन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसमें सैलरी अच्छा मिलता है, तो सैलरी एएलपी को अच्छा मिलता है क्योंकि एएलपी को कुछ अलाउंसेस मिलते हैं जिसके कारण एएलपी का सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है और एज कम्पेयर टू टेक्नीशियन। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एएलपी की सैलरी आखिर इतनी क्यों बढ़ जाती है। तो एएलपी को किलोमीटर अलाउंस मिलते हैं और बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, HRA, DA, फिर ट्रेवलिंग अलाउंस मिलते हैं, नाइट अलाउंस मिलते हैं, सब सारे अलाउंसेस मैं आपको सैलरी स्लिप की वीडियो जब बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो इतने सारे अलाउंसेस मिल करके एएलपी को एक अच्छा खासा सैलरी बन जाता है इनिशियल पेमेंट में। और जो इसका बेसिक लेवल होता है लेवल 2 में
एएलपी और टेक्नीशियन दोनों आते हैं और इसका जो बेसिक पे होता है 19,900 रुपये इनिशियल पेमेंट आपको किया जाएगा इसमें, इस पोस्ट में। दोनों ग्रुप सी के पोस्ट है, एएलपी और टेक्नीशियन, तो इसमें सैलरी अच्छे मिलते हैं एएलपी जॉब में एज कम्पेयर टू टेक्नीशियन। आपको इनिशियल पेमेंट 45,000 से 55,000 तक देखने को मिल सकता है और टेक्नीशियन में आपको 30,000 से 35,000 सैलरी देखने को मिल सकती है। तो ये डिफरेंस है सैलरी में, और अगर आपको सैलरी ज़्यादा आप कमाना चाहते हैं तो एलपी जॉब में आ सकते हैं, और अगर थोड़ा सा सैलरी कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए तो आप टेक्नीशियन पोस्ट वाले जॉब को सेलेक्ट कर सकते हैं। को कितने घंटे काम करना पड़ता है तो एलपी को घंटे फिक्स नहीं रहते हैं, क्योंकि आपके टोटली डिपेंड करता है कि आपको गाड़ी कहाँ तक ले करके जाना है। तो कभी काल ये होता है कि आपका गाड़ी 5 घंटे में भी पहुंच जाते हैं, एक सेक्शन कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा एस्पेक्ट मिल रहा सिग्नल का, तो आप उसके हिसाब से गाड़ी को लेकर के जाते हैं। तो कभी काल जल्दी ऑफ हो जाता है, और अगर कभी काल 10 घंटे भी लग जाते हैं गाड़ी को डेस्टिनेशन में पहुँचाने के लिए। तो इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है एलपी जॉब में, मगर टेक्नीशियन में आपका फिक्स टाइमिंग है कि 8 घंटे आपको काम करना है और अपने घर आ जाना है। तो इसमें थोड़ा टाइम का इशू होता है, आप अपने फैमिली के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड कर पाएंगे एलपी जॉब में एज कम्पेयर टू टेक्नीशियन। और इसमें ये होता है कि अगर आपको एक ये भी केस हो सकता है कि अगर आपकी हेडक्वार्टर वाली गाड़ी लग गई, जैसे कि आप कहीं गए 100 किलोमीटर के अंदर 70-80 किलोमीटर चला करके और जल्दी आप पहुँच गए 2-3 घंटे में, और अगर आप उधर से स्पेयर आना रहा तो आप सेम दिन में ऑफ भी हो जाएंगे आपके हेडक्वार्टर में, और आपको भी मिनिमम 16 घंटा का रेस्ट मिलेगा, तभी आपकी कॉल होगी तो आप जा सकते हैं फिर ड्यूटी में। और टेक्नीशियन में यह हुआ कि आप डेली जॉब कर रहे हैं, आप जा रहे हैं शिफ्ट वाइज, आप शाम में आ रहे हैं और अपना रेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे इसमें ज़्यादा। तो ये डिफरेंस है इसमें एलपी और टेक्नीशियन में, कि इसमें घंटे फिक्स नहीं है एलपी की जॉब में, और टेक्नीशियन में आपके घंटे फिक्स है कि आपको इतने ही काम करना है। टॉपिक डिस्कस करते हैं कि टेक्नीशियन जॉब में क्या सिर्फ 8 घंटे काम करने पड़ते हैं। तो जी हाँ, टेक्नीशियन जॉब में आपको सिर्फ 8 घंटे काम करने पड़ेंगे और आप सीधा अपने शिफ्ट ख़त्म करके सीधा अपने घर चले जाएंगे। एज़ कम्पेयर टू एलपी आपको दूसरे जगह ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन टेक्नीशियन में आप सीधे अपने घर जाएंगे और इसमें आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, मगर पैसे कम मिलेंगे, मगर इसमें आपको टाइम ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कंपैरिजन था कि टेक्नीशियन में आपको 8 घंटे काम करना पड़ता है, तो इसका कंपैरिजन में दे दिया एलपी और टेक्नीशियन के बीच में। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं एक छोटा सा इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी करूँगा अभी, कि एएलपी का जॉब में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है बहुत, इसमें अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है आप जब वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, क्योंकि इसमें आप एक गाड़ी को लीड कर रहे हैं और आप मेन लाइन पे चल रहे हैं, तो इसमें आपको एकदम अलर्ट रहना ज़रूरी है। और ये एक डिसिप्लिन वाला जॉब है एएलपी, और टेक्नीशियन भी डिसिप्लिन वाला जॉब है, मगर ये थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन है इसमें एएलपी में, क्योंकि इसमें आपको लाइन पर काम करना है, अगर थोड़ा सा भी सावधानी हटेगी तो दुर्घटना हो सकती है। तो इसमें आपको प्रॉपर रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें रेस्ट नहीं करेंगे तो आपको नींद आएगी, नींद आने की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी रात ड्यूटी आने वाली है तो आपको दिन में सोना पड़ेगा घर में, तभी आप रात में जाग पाएंगे। तो इसमें इतने सारे आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा उसके हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करके सोना पड़ता है। तो ये सब सारे इसमें एएलपी जॉब में आपको अपने आप हैबिचुअल बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे मतलब इस जॉब में अच्छे से वर्किंग कर पाएंगे। तो ये कंपैरिजन था एएलपी और टेक्नीशियन के बीच। इन सारे पॉइंट्स को लेकर के मैं एएलपी और टेक्नीशियन के बीच कंपैरिजन कर दिया हूँ, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन सा जॉब सही है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं कंपैरिजन किया हूँ कि दोनों में क्या जनरली डिफरेंस रहता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने भाई के चैनल को, जल्दी से मान के पहुँचाना है, और सब्सक्राइब करिए और जल्दी मान के हो जाएंगे।
तो ये टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।